उत्तर प्रदेश की राजनीति से आ रही बड़ी खबर की करते ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से की है मुलाकात। यूपी विधानसभा में एसपी के साथ एसबीएसपी का गठबंधन, अखिलेश राजभर के गठबंधन का औपचारिक ऐलान बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर तंज भी कसा गया है और ऐसे में इमरान मसूद ने सपा के साथ गठबंधन में लड़ने की वकालत की। बड़ी खबर आपको बता रहे, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर गठबंधन तैयार किए जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, यूपी विधानसभा में एसपी के साथ एसबीएसपी का गठबंधन। लैला को छोड़ साइकिल पर सवार मजनू, यूपी में इस बार नया मजनू मोर्चा तैयार। योगी के खिलाफ साइकिल के साथ हार। एक तरफ यूपी में विकास की गंगा बहाने का दावा कर समाजवादी बबुआ इस बार 400 सीटें जीतने का ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो लगे हाथ यूपी में नया मजनू मोर्चा भी तैयार कर लिया है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसमें अखिलेश और राजभर एक साथ गहन चिंतन में नजर आ रहे हैं। लैला को छोड़ मजनू साइकिल पर सवार हो गया है। खबर है कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव और ओपी राजभर की तस्वीर भी पोस्ट की है। इसके अलावा राजभर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब की बार बीजेपी साफ, दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन है बचे चार। समाजवादी बबुआ के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने वाले राजभर ये ऐलान करते दिखे कि समाजवादी पार्टी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए। राजभर कभी बीजेपी नेताओं से मिलते हैं तो कभी अखिलेश के गुण गाते हैं। हैदराबादी लैला के साथ गठबंधन कर भागीदारी मोर्चा बना चुके राजभर किस करवट बैठेंगे कोई नहीं जानता। उधर सहारनपुर के कांग्रेसी नेता इमरान मसूद के कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हैं। इमरान मसूद ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ने की वकालत की है। इमरान मसूद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस में यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का दम नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने वाली बात आप कह रहे हैं, तभी जाकर फायदा होगा कांग्रेस को? नहीं, तो ये मैं गलत क्या कह रहा हूँ? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जड़ें उत्तर प्रदेश के अंदर जमाने का काम किया और आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक कुशासन के प्रति लोगों के अंदर विरोध है, और उस विरोध को अगर आप लोग एक जगह इकट्ठा नहीं करोगे तो उसका नुकसान होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेता दबी जुबान में ही सही इस डिमांड को प्रियंका गांधी के सामने रख चुके हैं, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।